आरबीआई बोर्ड ने केंद्र सरकार को 2022-23 के लिए 87,416 करोड़ रुपए डिविडेंड देने का किया फैसला। ज्ञानवापी मामले की सुनवाई 7 अगस्त तक टली। ज्ञानवापी मस्जिद में मिली शिवलिंग के वैज्ञानिक परीक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। पार्टी में नीतीश और लालू की कोई वैल्यू नहीं। धीरेन्द्र शास्त्री से जेडीयू आरजेडी नेताओं की मुलाकात पर बीजेपी का तंज। सिद्धारमैया के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे शरद पवार। सिद्धारमैया होंगे कर्नाटक के नए सीएम। G7 के बैठक में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे जापान के हिरोशिमा। प्रभात गुप्ता हत्याकांड में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी हुए बड़ी। हाई कोर्ट ने दिया बड़ा फैसला। आर्यन खान ड्रग केस में बड़ा खुलासा। शाहरुख खान और समीर वानखेड़े की व्हाट्सएप चैट आई सामने। आयुष्मान खुराना पर टूटा दुखों का पहाड़। पिता पंडित पी खुराना का हार्ट अटैक से हुआ निधन। जल्द ही जारी होंगे राजस्थान बोर्ड के 10वीं और 12वीं के रिजल्ट। ऑनलाइन मार्कशीट ऑफिशियल वेबसाइट पर की जाएंगी जारी। बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में ममता बनर्जी के घर तक पहुंची सीबीआई। अभिषेक बनर्जी को नोटिस, कल हाजिर होने का दिया निर्देश।